नॉर्थन रेलवे ने तो अब एक बड़ा ही कमाल कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारी भारतीय रेलवे अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके, नए नए पैंतरे आजमा रही है, और इन सभी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है विस्टाडोम कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही एसी इकोनॉमिक 3 टीयर कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट कल्चर रिलेटेड ट्रेन एक्सेट्रा। लेकिन हमारी नॉर्थन रेलवे ने तो केवल कबाड़ बेचकर ही करोड़ों की भारी कमाई कर डाली है। ये सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। हमारी नॉर्थन रेलवे ने कबाड़ बेचकर 624 करोड़ रुपए की भारी कमाई की है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वैसे यहाँ पर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो इस साल 40% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है रेलवे ने। वैसे तो यहाँ पर नॉर्थन रेलवे ने अपना खुद का एक टारगेट सेट किया था कि वो 370 करोड़ रुपए की कमाई करेगा रेलवे के स्क्रैप कबाड़ को बेचकर, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ये टारगेट भी तोड़ दिया है। अपनी सोच से भी ज़्यादा इन्होंने 624 करोड़ रुपए, यानी इन्होंने पिछले साल की तुलना में 69% से भी ज़्यादा की रेवेन्यू हासिल की। वैसे स्क्रीन पर इस लिस्ट के जरिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी रेलवे ने सितंबर 2021 में 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और वहीं अक्टूबर मंथ की बात करें तो इन्होंने 300 करोड़ रुपए की कमाई की, और दिसंबर मंथ में इन्होंने 400 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और अब बात करें 2022 की, तो यहाँ पर फरवरी मंथ में 500 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और मार्च में तो इन्होंने अपने ही सोच से ज़्यादा 600 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करके अपने ही आंकड़े को पार कर डाला है। वैसे नॉर्थन रेलवे ने ये जो कमाई की है कबाड़ बेचकर, तो ये 8 लोकेशन से इकट्ठी की गई थी, वो भी मैट्रिक मैट्रिक टन्स में, जिसमें शामिल थे कई सारे लोहे के स्क्रैप, लीड एसिड बैटरी, ट्रैक के किनारे पड़े कंक्रीट स्लीपर्स और भी कई तरह की चीज़ें इसमें शामिल थी। अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल में जाना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल मेंशन की है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेलवे की इस कमाई के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।